मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। बहुत ही आनंद के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, हमारे फेसबुक में जितने परिवार मिले हुए हैं, सभी लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा जब जब मुझे प्रेरित करता है तब तब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर में सदा साहस बांध कर रहिए, धैर्य से रहिए, सदा आनंद से भरे रहिए, तभी हमारे हृदय की विनतियाँ जो है, मनोरथें जो है, पूरी होंगी। परमेश्वर की महिमा। आज परमेश्वर हमें जो छोटा सा शॉर्ट मैसेज देना चाहता है वह क्या है? यशया भविष्यवक्ता की पुस्तक 43वां अध्याय और 21वां वचन। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। इस प्रजा, मेरे प्रिय लोगों, इस भूमि में, विशेष रूप से भारत में, हम सभी कुछ सालों पहले हम अनजाने लोग थे, अंधकार में थे, सूली से बहुत ही दूर थे, पर संसार का उद्धार करता हमें खोजता हुआ आया, मुझे खोजता हुआ आया। अभी हमें अपने खुद की प्रजा के रूप में, उसके द्वारा छुड़ा गए लोगों के रूप में परमेश्वर ने हमें रखा है। आपके मन में क्या आशा उठ खड़ा होता है? इसलिए वचन मालूम में क्या कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, मैंने अपने खुद के लिए इन्हें बनाया है। अगर आप उद्धार पाए हुए हैं तो आपने खुद के लिए नहीं है, आपके प्रयास के द्वारा नहीं है, आपके क्रियाओं के द्वारा भी नहीं, उसने खुद ने आपको बनाया है। ठीक है, क्यों उसने बनाया है? ताकि वे मेरा गुणानुवाद करें, ताकि वे मेरा गुणानुवाद करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के लोगों साधारण रूप से स्तुति स्तुति कहेंगे, स्तुति करते हैं, परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं, पर अभिषेक पाए हुए लोग उसकी स्तुति को गुणानुवाद लगातार करते रहेंगे। उनका हृदय जो है परमेश्वर में सदा गुण गाता रहेगा, इसलिए उसकी स्तुति करता रहेगा। इसलिए जब जब आपको समय मिलता है सदा परमेश्वर की महिमा करते रहिए, अच्छी तरह से स्तुति कीजिए, अन्य भाषा में उसकी प्रशंसा कीजिए, तब परमेश्वर का सम्मुख क्या आएगा, आपको घेर लेगा। ठीक है, वह प्रसन्नता से भर जाएगा और उसका सम्मुख उत्तरों को ले आएगा। जब परमेश्वर का सम्मुख आपके घर में आ जाएगा तो शैतान अगर कोई भी अपने दूतों को भेजेगा तो अग्नि के द्वारा वह पूरी तरह से नाश किया जाएगा। एक नए अभिषेक से भर भर कर जब उसकी नई रूप से आराधना करते रहो। इन सभी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख में रखने हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन के वचन को क्या आप लेने के लिए तैयार हो? प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर, तेरे बच्चों से तूने जो बात किया है, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। हमारी जीव लगातार तेरी स्तुति करते रहे। परमेश्वर की आत्मा हमारी सोचों को दैविक सोच के रूप में बदल डाल। हमारी सोचें नहीं बल्कि हमारा हृदय भी तेरी इच्छा के अनुसार बदलता रहे। हमारा घर जो है लगातार वर्शिप सेंटर के रूप में बदल जाए। हर वक्त जो है आनंदित होकर घर में तेरी स्तुति लगातार हम करते रहें। हे परमेश्वर, स्तुति के द्वारा उस दिन यरीहो के बहुत बड़े बड़े फाटक नीचे गिर गए, उसकी मंजिलें नीचे गिर गई। ये समस्याएं जो हमारे सामने कहां की है, हे परमेश्वर, तेरे नजरों में बिल्कुल छोटी सी चीज है। तेरे सेवक के होने के नाते, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूं, आज एक आनंद का आशीष तेरे बच्चों के घरों में आ जाए। पुराने वाला तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। पवित्र आत्मा स्तुति की आत्मा से आपको भर रहा है। जब जब आपको समय कर मिलता है तब तब आप उसकी स्तुति करते रहिए, वर्शिप करते रहिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालते रहेगा। जरूर दूसरों को शेयर करें, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हिंदी भाषा में हम डबिंग करते हैं ना, हजारों रुपए उसके लिए खर्चा करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, पर उसका उत्तर परमेश्वर की ओर से अच्छा होना चाहिए।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।